तो आप देख सकते हैं, हम अपने चने के खेत पर इल्ली मार दवा का स्प्रे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये हमारा पंप है, ये हम 6 ml दवा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं, छः एम एल दवा ले लिया है। ये 60 ml की दवा है, इसमें 10 pump बनेंगे। ये देखिए, 6 ml दवा डाल दिया है। और ये देख सकते हैं आप, हमारा एक स्प्रे चल रहा है, 2 spray pump चल रहे हैं हमारे। तो अभी हम दवा का स्प्रे कर रहे हैं। ये हमारे 80 दिन का चना हो गया है। ये चने की वैरायटी है, JG 36 वैरायटी। आप देख सकते हैं, ये फूल और फली अवस्था में आ चुका है। देख सकते हैं आप, हमने पहले भी एक बार इडली मारो टॉनिक का स्प्रे कर दिया था, पर 2-3 दिन पहले भी स्प्रे किया था इडली मारो टॉनिक का, तो इडली वगैरह नहीं मारी थी। तो हम आज इसमें ये 1000 रुपये की दवाई लेकर आए हैं, ये 60 ml, तो इसका स्प्रे कर रहे हैं। इस तरह पानी भरते हैं पंप में, फिर ढक्कन लगा के इस तरह स्प्रे करते हैं। आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके छोटे भाई देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमारी ये MP की मिट्टी है, काली मिट्टी, इसमें चने बहुत अच्छा बनता है। लगभग गेहूं से ज़्यादा प्रॉफिट होता है इसमें, लेकिन लेबर ना मिलने के कारण किसान लोग इसको ज़्यादा बोना पसंद नहीं करते हैं, और दवा का स्प्रे भी करना पड़ता है इसमें। देखिए दोस्तों, हम अपने चने पर दवा का स्प्रे कर रहे हैं, आपने अभी देख ही लिया है। हमारा पूरा चना एक सा ही लगा है, फूल अवस्था में भी है और फली बनना स्टार्ट हो गई है। अभी आप देख सकते हैं, ये हमारा बैटरी वाला पंप है, इसमें लगभग 18 से 20 लीटर पानी आ जाता है। और इसमें हमने अभी 6 ml दवा डाली है एक पंप में, इसके अलावा हमने अभी कुछ भी नहीं डाला है। हम लगभग 25 सालों से खेती कर रहे हैं बापा जी, जब से कर रहे हैं चने की। हमने अभी बंद नहीं किया है, कई किसानों ने बंद कर दिया है। हमने पिछले साल भी दूसरी वैरायटी चना लगाया था, तो उसका लगभग 14 का एवरेज आया था पर एकड़ में, थोड़ा पतला हो गया था वो। इस बार ये हमारा चना थोड़ा अच्छा, थोड़ा घना हो गया है और ऊंचा भी बहुत हुआ है पिछले साल की अपेक्षा। तो हमको उम्मीद है कि इस बार कुछ अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। हमने उसमें 3 दिन पहले हमने स्प्रे करे थे इसमें टॉनिक का और इडली मार दवा का, लेकिन उतना रिजल्ट तो मिला, लगभग 50-60% रिजल्ट मिल गया है। लेकिन फिर भी हम सुरक्षा की दृष्टि से हमने ये वाली दवाई लेकर आया है कि जितने भी इडली वगैरह हैं और माहू के प्रकोप से बचाने के लिए हम इस दवा का छिड़काव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, यह पैर के निशान हैं। हमने 2 दिन पहले ही दवा का स्प्रे किया था, तो ये पूरी लाइन बन गई है। जैसी लाइन से हम सीधे चल जाते हैं और सीधे आ जाते हैं। देखिए, हमारे पंप का प्रेशर अभी सिंगल मोटर में चल रहा है, डबल मोटर में हम करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए, डबल मोटर में कितना तेज़ प्रेशर आता है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा लोड लेने लगती है मशीन, इसलिए, और जल्दी पानी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम इसको सिंगल ही मोटर में ही उपयोग करते हैं। इसी तरह की नई नई अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।